नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रणवीर सिंह के बाद अब न्यूड फोटोशूट कराने वालों की लाइन लग गई है। हाल ही में साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर विष्णु विशाल ने भी अपनी न्यूड तस्वीरें शेयर की है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। रणवीर सिंह के नेकेड फोटो के बाद साउथ के इस एक्टर ने भी शेयर की न्यूड तस्वीरें। बीवी को दिया क्रेडिट। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने न्यूड तस्वीरें किया पोस्ट की हर तरफ मानो जलजला ही आ गया हो। इन नेकेड फोटोज के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ तीन तरह के लोग हैं। एक जो रणवीर की इस हरकत से खुश नहीं है, दूसरे जो उन्हें सुपर हॉट बता रहे हैं, और तीसरे जो अब खुद की न्यूड तस्वीर पोस्ट करने में बिजी हो गया है। तो तीसरी वाली कैटेगरी में तादाद बढ़ती जा रही है। हाल ही में साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर और बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के पति विष्णु विशाल ने भी अपनी कुछ ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट की है। साउथ एक्टर विष्णु विशाल ने अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भी इस जमात में शामिल हो रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने फोटो क्रेडिट में अपनी पत्नी ज्वाला गुट्टा का नाम दिया। तो जाहिर है ज्वाला ने ही पति की न्यूड तस्वीरें क्लिक की होंगी। तस्वीरों में आप देखेंगे तो विष्णु बेड पर लेटे हुए हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक चादर है जो उन्हें पूरी तरह से उन्हें न्यूड होने से बचा रही है। फिर फोटो देखने के बाद अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं पहना। इंस्टाग्राम पर शेयर विष्णु की पोस्ट में चार तस्वीरें हैं। कुछ लोग तो विष्णु की तारीफ कर रहा है, पर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने उन्हें ट्रोल कर दिया। लिखा, ये हॉटनेस है क्या, मतलब क्या, खामखा का प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर। हालांकि मनीष मल्होत्रा और निर्देशक जोया अख्तर ने एक्टर की तस्वीर पर फायर इमोजी पोस्ट किया। बता दें कि विष्णु कुछ समय पहले तक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। हालांकि पैर में चोट लगने से विष्णु का करियर खत्म हो गया और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। विलैनु बंधुता, विल्लई कारण, सिलुक्कुवारु पट्टी सिंगम और रत्सान जैसी फिल्में प्रमुख है। विष्णु आखिरी बार तमिल फिल्म FIR रेडी में देखे गए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे 24।